नमस्ते जी, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे आप सब? तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इग्नू एमजी 14 से एक इम्पॉर्टेंट शॉर्ट स्टोरी द एम्प्टी चेस्ट, जिसे लिखा है इंदिरा गोस्वामी ने। एंड इन्होंने इसे ओरिजिनली जो है असमिस लैंग्वेज में लिखा था, बिकॉज ये असम से बिलोंग करती थी। एंड इसका जो ओरिजिनल टाइटल था असमिस लैंग्वेज में वो था उदंग बैकेज, लेकिन लेटर ऑन इसको प्रदीप्ता बिरकोहेन ने इंग्लिश में ट्रांसलेट किया था। द एम्प्टी चेस्ट की समरी डिस्कस करने से पहले मैं आपको थोड़ा सा हमारे राइटर इंदिरा गोस्वामी जी के बारे में बता देती हूँ। क्योंकि तो इंदिरा स्वामी एक फेमस इंडियन एडिटर, पोइट, प्रोफेसर, स्कॉलर एंड राइटर हैं, जिनका जन्म हुआ है 14 नवंबर 1942 में असम में, एंड इनकी डेथ हुई है 29 नवंबर 2011 में असम में। एंड इनके जितने भी वर्क हैं वो मैक्सिमम इन्होंने असमीज लैंग्वेज में ही लिखे हैं। एंड इनके बहुत सारे वर्क हैं जो असमीज लैंग्वेज से इंग्लिश में ट्रांसलेट किए गए हैं। ओके, तो इनके कुछ फेमस वर्क हैं वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है चिना की मोरम, जो कि इनका फर्स्ट वर्क है। सेकेंड है पेजेस स्टेन विद ब्लड, एंड थर्ड है द मैन फ्रॉम चिना मास्ता। तो ये इनकी तीन फेमस वर्क है। एंड इसके अलावा इनको कुछ फेमस अवार्ड्स भी मिले हैं, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहले है साहित्य अकेडमी अवार्ड, जो इनको 1982 में मिला है। सेकंड इनको भारत निर्माण अवार्ड मिला है 1989 में। एंड थर्ड इनको ज्ञानपीठ अवार्ड मिला है 2000 में, जिसको हिंदी में ज्ञानपीठ अवार्ड कहा जाता है। एंड फोर्थ है इनको पद्मश्री मिला है 2002 में। एंड इंदिरा गोस्वामी ने शिलोंग में पाइन माउंट स्कूल से अपनी स्कूलिंग की थी। एंड इंदिरा गोस्वामी जो है उनका बेसिकली कंट्रीब्यूशन रहा है असमीज लिटरेचर्स में। एंड उन्होंने अपने वर्क के थ्रू जो है सोशल रिफॉर्म्स करने में काफ़ी ज़्यादा अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। इनके असमीज लिटरेचर में वेस्टर्न इन्फ्लुएंस भी देखा जा सकता है। एंड इंदिरा की जो लाइफ है वो कुछ हैप्पी लाइफ नहीं थी। इनके पति जो थे माधवन, उनकी कश्मीर रीजन में डेथ हो गई थी ड्यू टू एक्सीडेंट। एंड उस दौरान इनकी शादी को जस्ट अभी 18 मंथ हुए थे। तो अपने पति की इतनी अर्ली एज में डेथ से जो हमारी इंदिरा गोस्वामी है वो एक तरह से प्रेशर में चली गई थी। एंड इन्होंने स्लीपिंग टैबलेट्स लेना स्टार्ट कर दी थी, एंड काफ़ी ज़्यादा ओवरडोज में ही लेती थी। तो इनको काफ़ी टाइम लगा था अपनी नॉर्मल लाइफ में वापस आने के लिए। इंदिरा गोस्वामी ने DU यानी कि दिल्ली यूनिवर्सिटी में एज प्रोफेसर भी काम किया था। एंड ये फेज इनकी लाइफ का मोस्ट ग्लोरियस फेज था। जब ये यूनिवर्सिटी में थी तो उसी दौरान इन्होंने अपने मोस्ट ग्रेटेस्ट वर्क जो थे वो लिखे थे, जिनके कारण इंदिरा गोस्वामी को वर्ल्ड वाइड फेम भी मिला था। ओके, तो ये था हमारे राइटर के बारे में। तो अब हम डिस्कस करेंगे हमारी शॉर्ट स्टोरी द एम्प्टी चेस्ट। तो पहले इसके मैं आपको मेन मेन कैरेक्टर्स बता देती हूँ। तो सबसे पहले है तारा दोई, जो कि हमारी मेन फीमेल प्रोटैगनिस्ट है। सेकंड है सारू वापू, जो कि तारा दोई का लवर होता है। एंड थर्ड है हैबर, जो कि लस्टी पर्सन है। एक्चुअली इसकी जो नज़र होती है वो तारा दोई पर हमेशा रहती थी, ये इसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होना चाहता था। तो ये ही तीन करेक्टर हैं आपकी शॉर्ट स्टोरी में। तो स्टार्ट करते हैं हमारी समरी। एम्प्टी चेस्ट जो है वो हमारी प्रोटैगनिस्ट के डेड लवर की स्टोरी है, जिससे तारा दोई इटर्नल प्यार करती थी। यानी कि इस स्टोरी में तारा दोई एंड सारू बापू के प्यार को रिफ्लेक्ट किया गया है, लेकिन इनका प्यार सक्सेसफुल नहीं रह पाया था। बिकॉज सारू बापू एक रिच जमींदार का बेटा था, एंड तारा दोई इसके घर पर काम किया करती थी। तो इससे उस दौरान सारू बापू से प्यार हो गया, एंड सारू बापू भी तारा दोई को मतलब काफ़ी ज़्यादा पसंद करता था। बट इनका जो मैरिज करने का जो सपना था वो सपना ही रह गया, वो पूरा नहीं हो पाया। बिकॉज दोनों की फैमिलीज इन दोनों की मैरिज के अगेंस्ट थी, एंड तारा दोई को अपने लवर के लिए जो उसका प्यार था ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस, प्योर एंड काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग लगता था। तो तारा दोई एंड सारू बापू के जो पेरेंट्स हैं वो इन दोनों की मैरिज नहीं होने देते हैं। एंड तारा दोई की फैमिली तारा दोई की फोर्सफुली एक ड्राइवर के साथ मैरिज करवा देती है, लेकिन शादी के बाद भी तारा दोई जो है वो अपने लवर को भूली नहीं है। एंड ये अपने फर्स्ट लवर के लिए फेथफुल रही। एंड तारा दोई को ये भी लगता था कि सारू बापू भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता है, डीपली प्यार करता है, एंड वो किसी और से शादी नहीं करेगा। तो शादी के कुछ सालों बाद अब बताया गया है कि तारा दोई अपने दो बच्चों के साथ पॉवर्टी में जी रही है, एंड एवरी डे वो सर्वाइव करने के लिए स्ट्रगल कर रही है। एंड ये बहुत ही ज़्यादा गरीब हो चुकी है। एंड तारा दोई का जो घर है वो क्रीमेशन ग्राउंड के पास है। क्रीमेशन ग्राउंड वो होता है जहाँ पर दाह संस्कार वगैरह किया जाता है। तो वहाँ पर इसके मतलब उसके नज़दीक इसकी एक झोंपड़ी सी होती है। एंड तारा दोई के जो हस्बैंड हैं वो भी इसके साथ नहीं है, बिकॉज वो ड्राइवर था, एंड उसे रैश ड्राइविंग करने के जुर्म में जेल में डाल दिया गया है। तो तारा दोई के पति की अब्सेंस में हैबर, जो कि एक लोकल फायरवुड मर्चेंट है, व्यापारी है, वो तारा दोई के पास आकर उसके साथ सेक्सुअली इंटीमेट होने की कोशिश करता है। बट तारा दोई जो है वो डिनाई करती है, बिकॉज तारा दोई स्टिल अपने लवर सारू बापू से प्यार करती है, एंड ये अपने लवर के लिए अभी भी फेथफुल होती है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि तारा दोई का जो घर था वो क्रीमेशन ग्राउंड के पास था। तो एक दिन तारा दोई जो है वो उस ग्राउंड में टहल रही होती है, एंड इसकी नज़र एक कॉफिन पर पड़ती है। एंड ये जो कॉफिन होता है ये सारू बापू का होता है। कॉफिन यानी कि ताबूत
भूत सा जिसके अंदर डेड बॉडीज होती हैं वो इसको मिलता है। तो तारा दोई जो है वो अपने लवर सारू बाबू के इस कॉफिन को अपनी झोंपड़ी में लेकर जाती है एंड ये अपने आप को एज न्यूली मैरिड ब्राइड जो है सजाती है एंड ये कॉफिन के अंदर सारू बाबू की डेड बॉडी के साथ सोती है। एंड जब ये कॉफिन में सोई होती है तो इसे ऐसा लगता है जैसे वो सच में अपने लवर के साथ है एंड ये अपने पास्ट की लवेबल मेमोरीज को जो है याद करती है। एंड यहाँ पर ये जो सीन है ये काफ़ी ज़्यादा अलाइव जो है राइटर के द्वारा दिखाया गया है, तो यहाँ पर रीडर्स को ऐसा लगेगा जैसे सच में तारा दुई अपने लवर के साथ है। तारा दुई इस दौरान ये बिल्कुल भूल चुकी होती है कि वो ऑलरेडी मैरिड है एंड उसके दो बच्चे भी हैं, मतलब कि ये अपनी लवेबल इंटीमेसी में खोई होती है। लेकिन कुछ टाइम बाद इस स्टोरी में मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्न आता है जब तारा दुई का ब्रदर जो कि एक पुलिस होता है वो तारा दोई को इन्फॉर्म करता है कि सारू बापू जो है वो फेथफुल लवर नहीं था। एंड तारा दोई का भाई इसको जो है एज प्रूफ जो है सारू बापू के मैरिज इनविटेशन कार्ड्स दिखाता है जिससे क्लियरली पता चल रहा था कि सारू बापू कहीं और मैरिज करने के लिए मान गया था। तो यहाँ पर तारा दोई का जो ट्रस्ट था अपने लवर पर वो टोटली जो है मतलब टूट जाता है। एंड तारा दोई इस न्यूज़ को सुनने के बाद एकदम शॉक्ड रह जाती है एंड ये गुस्से में सारू बापू की उस कॉफिन को अपनी झोंपड़ी से बाहर लेकर जाती है एंड उसे जला देती है। एंड यहाँ पर तारा दोई का अपने लवर के लिए जो इटर्नल प्यार था वो भी खत्म हो जाता है। मतलब कि एक तरह से देखा जाए तो तारा दोई का जो ट्रस्ट था अपने लवर पर वो टोटली अब शैटर्ड हो चुका था। एंड फिर एंड में तारा दोई डिसाइड करती है कि अब वो जीने के लिए कुछ भी करेगी, इवन वो प्रोस्टिट्यूशन में भी जाएगी। तो यहाँ पर हमारी जो सबरी है वो खत्म होती है। ओके, तो मैं लास्ट में ये जो हमारा टाइटल है द एम्प्टी चेस्ट इसका मीनिंग भी बता देती हूँ। द एम्प्टी चेस्ट ये जो हमारा टाइटल है ये सिम्बलाइज करता है तारा दोई की लाइफ की एम्प्टीनेस को। जैसा कि एक चेस्ट एम्प्टी होता है वैसे ही तारा दोई की यंग एज से ही उसकी जो लाइफ है एम्प्टी है, एम्प्टी प्रोमिसेस उसके साथ किए गए हैं। मैरिज के बाद भी तारा दोई की जो लाइफ है वो लवलेस थी, बिल्कुल एम्प्टी थी। स्पेशली तारा दोई की जो लाइफ है वो बिल्कुल एम्प्टी एंड शैटर्ड तब हो जाती है जब उसका ब्रदर जो है उसके लवर का सच उसे बताता है। तो द एम्प्टी चेस्ट जो हमारा टाइटल है ये बेसिकली तारा दोई को रिफ्लेक्ट करता है। तो यही था द एम्प्टी चेस्ट शॉर्ट स्टोरी के बारे में। आई होप आप लोगों के लिए वीडियो हेल्पफुल रहेगी एंड अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगेगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। ओके, तो मिलते हैं हमारी नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।